हेलो एवरीवन, खमागड़े वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। अगर फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर, आज मैं आपको एक ऐसी एंटिटी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके बारे में आप लोगों ने सुना तो होगा लेकिन इसका रियल एनकाउंटर किसी के साथ हुआ हो ऐसी स्टोरीज आपने बहुत कम ही सुनी होगी। चलिए, इस एंटिटी के लिए छोटी सी शायरी हो जाए, एक पजल हो जाए, शायद आप इसे पहचान पाए। रात की खामोशी में छुपा हुआ एक राज हूं, जिसे सुनते ही पहचान लो वो आवाज हूं। रहती हूँ परछाइयों के अंधेरे में, मुझे पहचानो, मैं निशिता हूँ। जी हाँ, आज की कहानी बेस्ड है एक बंगाली लेजेंड के ऊपर जिसका नाम है निशिताक। लोग ऐसा कहते हैं कि निशिताक आपको रात के अंधेरों में आपके किसी पहचान वाले इंसान या एक ऐसे इंसान जिससे आप सबसे ज्यादा अटैच्ड थे और बाई चांस उनकी डेथ हो चुकी है, उस आवाज में वो आपको बुलाती है। और अगर एक बार आप उसके जाल में फंस जाए तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और कुछ ऐसा ही हमारे आज के इस इंसिडेंट के अंदर उज्जवल के साथ, जिन्होंने हमसे ये इंसिडेंट शेयर किया है। 2019 से लेकर 2021 का टाइम एक ऐसा टाइम था जो सदी में शायद दोबारा कभी नहीं आएगा और कोई चाहेगा भी नहीं कि ऐसा टाइम दोबारा आए। जी हाँ, बात कर रहा हूँ कोविड टाइम की, जब दुनिया उलट पुलट हो गई थी, लोगों की जिंदगी उलट पुलट हो गई। कुछ लोग अपने काम से हाथ धो बैठे और कुछ लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। और सबसे ज्यादा बुरा हाल हुआ था विदेशों में नौकरी करने वालों का, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनकी जॉब वहां पर चली गई थी और वहां पर वो सरवाइव नहीं कर सकते थे, इसलिए कई लोगों को वापस लौटना पड़ा अपने देश। और ऐसा ही हुआ कुछ उज्जवल के साथ। उज्जवल की शादी ईयर 2000 में हुई थी और अपनी शादी के बाद उसके सामने कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस आए कि उसे अपने मम्मी पापा का घर छोड़कर बैंगलोर शिफ्ट होना पड़ा। और फिर वो काम में कुछ ऐसा उलझा कि दोबारा कभी वो अपने नेटिव प्लेस और अपने उस घर में जहां पर वो पला पड़ा था वापस नहीं आ पाया। उसके पेरेंट्स अक्सर उससे मिलने बैंगलोर आ जाया करते थे और फिर 2013 में उसे एक जॉब मिली यूएसए में। और जैसे वो यूएसए शिफ्ट हुआ, अब उसका अपने पेरेंट्स के साथ भी छूट गया, मतलब अपने पेरेंट्स से मिलने भी नहीं आ पाता था। ना सिर्फ इतना, वो इतना बिजी हो चुका था या आप कहें कि अपने पेरेंट्स को भूल चुका था यूएस जाकर, कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके लास्ट राइट्स तक करने के लिए भी वो इंडिया अपने घर वापस नहीं आ सका। एक्चुअली इस चीज़ का एक छुपा हुआ कारण ये था कि उज्जवल ने लव मैरिज की थी और उसके पेरेंट्स उस मैरिज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इसीलिए शुरू से ही शादी के बाद से उज्जवल के अपने घर से दूरियां बढ़ गई थी। और इतना ही नहीं, अपनी मौत के लास्ट टाइम तक भी उन्होंने कभी भी उज्जवल की शादी को एक्सेप्ट नहीं किया। शायद इसी वजह से उज्जवल की अपने पेरेंट्स से बहुत दूरियां बढ़ गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत का लिखा कोई टाल नहीं सकता। जिसके साथ जो कुछ होना है, ब्रह्मांड में कहीं भी रहे, किस्मत उसे वापस उसी जगह खींच लाती है जहां पर उसका विधान लिखा हुआ है। और कुछ ऐसा ही हुआ उज्जवल के साथ ईयर 2020 में, जो उसे वापस अपने नेटिव प्लेस, अपने उस घर में खींच लाया जहां पर उसने अपना बचपन गुजारा था। कहानी में आगे बढ़ो उससे पहले, अगर आपके पास कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ, क्योंकि स्टोरी में कोविड टाइम की बात हो रही है, 2020 में ही मैंने अपनी पहली स्टोरीज चैनल के ऊपर डाली थी, उस चैनल की शुरुआत की थी और आप लोगों के प्यार से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इस प्यार को बरकरार रखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज और अलग अलग टाइप के किस्से लाते रहें जिससे आपका एंटरटेनमेंट लगातार चलता रहे। तो बात है, जब पहला लॉकडाउन लगा था, तो जब लॉकडाउन लगा उस टाइम पर यूएस में भी लॉकडाउन था और लोगों को, यूएस की जो कंपनीज थी वो मोस्टली इंडियन लोगों को नौकरी से बाहर निकाल रही थी और उनमें से एक एम्प्लॉय था उज्जवल। कुछ महीने, 3-4 महीने तो उज्जवल वहीं पर रुका रहा, लेकिन क्योंकि उसके पास परमानेंट रेजिडेंसी नहीं थी यूएस की, तो अल्टीमेटली उसको यूएस से वापस लौटना पड़ा। और इंडिया में उसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ था, उसका कोई घर नहीं था, इस वजह से उसको वापस से अपनी फैमिली के साथ अपने नेटिव प्लेस पर पहुंचना पड़ा जहां पर उसका घर था। उज्जवल की फैमिली में उसकी वाइफ सीमा और उसकी एक बड़ी बेटी 15 साल का नाम हर्षिता था, और उसका 12 साल का एक बेटा था जिसका नाम था हर्षित। करीबन 20 साल के बाद आज वो वापस अपने एंसेस्ट्रल हाउस, जो उसके मम्मी पापा का घर था, उसमें लौटने को मजबूर था क्योंकि इंडिया में उसके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी। बड़ी मुश्किल से लॉकडाउन के टाइम पर वो यूएस से वापस आया था और इंडिया में भी लॉकडाउन था, इसलिए उस टाइम पर प्रॉपर्टी खरीदना, ये सब कुछ करना, रेंटल प्रॉपर्टी आपको पता है मिल ही नहीं रही थी, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और उसे घूम फिर कर अपने उसी पुराने घर के अंदर पहुँचना पड़ा। लौटने से पहले उसने कहीं से ढूंढ डांड के कॉन्टैक्ट निकाला
और उसे पता लगा कि उसका जो एंसेस्ट्रल हाउस है उसकी चाबी उन्हीं के गांव में उनके जानकार रहते हैं उनके पास है। उसने उनसे कहा कि आप किसी को बुलाकर उस घर को थोड़ा साफ करवा दीजिएगा ताकि मैं वहां पर रह सकूं। पहले तो बहुत नाराज हुए, उसको बहुत कुछ सुनाया, बट अल्टीमेटली वो उसी का घर था क्योंकि वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और उनके ना कोई फैमिली में कोई और रिलेशन में था ही नहीं, तो ये घर उसी का था। तो एनी हाउ उन्होंने उनके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की, बहुत ज़्यादा समझाया, तो उसकी सिचुएशन को समझ कर उन्होंने ये काम किया। और इन लोगों को अपने गांव पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज चुके थे। उज्ज्वल ने अपने गांव का नाम मेंशन यहां पर नहीं किया है। सो जब ये लोग वहां पर पहुंचे तो रात 11 बज चुके थे, और क्योंकि आज 20 साल गुजर चुके थे उज्ज्वल को कुछ आइडिया था कि वहां पर क्या है क्या नहीं है। पर जब वो यहां से गया था तब उसके घर के पास थोड़े बहुत ही घर थे। आज 20 साल बाद वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उस घर के आसपास और बहुत सारे घर बन चुके होंगे, लेकिन जब वो रात को वहाँ पहुंचा तो देखा सन्नाटा पसरा हुआ था और आज भी उनके घर के आसपास सिर्फ वही 10-15 घर थे जो पहले कभी हुआ करते थे। उसके आसपास ऐसा लग रहा था कोई आबादी बसी नहीं है। उससे थोड़ा डिस्टेंस पर जाकर गांव में बहुत सारे घर थे। तो उसे लगा कि जिस तरह से मैं अपना घर यहाँ पर छोड़कर चला गया था और भी गाँव के लोग होंगे जो अपने इन घरों को छोड़कर चले गए होंगे। और इमेजिन करें अगर आप 20 साल बाद उस घर में पहुंच रहे जहां पर आप पले बड़े हैं अपने माँ बाप के साथ, तो आपकी ज़िंदगी फ्लैशबैक में चली जाती है। जैसे वो घर के अंदर घुसा, घुसते ही बिल्कुल फ्लैशबैक में चला गया कैसे वो अपने मम्मी और बाबा के साथ इस घर के अंदर रहा करता था, खेला करता था, और ये देखते देखते उसकी आँखों के अंदर आंसू आ गए। उसके मन में कहीं ना कहीं ये रिग्रेट भी था कि अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार करने तक वो वहाँ पर नहीं आ सका, और ये सोच सोच कर उसकी आँखों से आंसू बहे जा रहे थे। वही सब सोच रहा था तभी उसकी नज़र अपने घर के पास में उगी हुई झाड़ियों पर पड़ी, और उसे देखा तो उसे लगा कि कोई एक काली सी परछाई उस झाड़ियों के अंदर की तरफ गई है। उसे उधर देखने की कोशिश की लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगता है कि आसपास बहुत सारे झाड़ हैं तो कोई ना कोई जानवर वहाँ पर गया होगा। उससे नज़र हटाकर ध्यान नहीं देकर वो घर के अंदर जाते हैं, लॉक वगैरह खोलते हैं और फिर घर के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि घर के अंदर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने अपने उन अंकल से पहले ही कह दिया था, उन्होंने उस घर की ठीक ठाक सफाई करवा के उसको तैयार कर दिया था। अब अगर आप किसी को सफाई करवाने को कहो तो ठीक ठाक नॉर्मल सफाई करवा देता है, लेकिन यहाँ पर जो सफाई हो रखी थी उसे लग रहा था कि इस घर में कोई रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि घर कई सालों से खाली पड़ा हो और एक दिन में इसकी सफाई की गई हो। सारी चीज़ें ठीक ठाक अरेंज की गई थी, किसी भी चीज़ के ऊपर इतनी कोई धूल मिट्टी छाई हुई नहीं थी और सब कुछ बिल्कुल अरेंज था। तो सीमा सब कुछ देखकर बोलती है कि तुम्हारे इस घर में कोई रहता है क्या? सोलर, जितना मैं जानता हूँ इस घर में तो कोई रहता ही नहीं है। मतलब मेरे आई मम्मी और बाबा रहा करते थे, बस उनके अलावा हमारा कोई और है नहीं। पता नहीं कौन रहता है, ऐसे मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन शायद मैंने अंकल को कहा था तो उन्होंने सफाई ज़्यादा ही ठीक से करवा दिए, है ना। ज़्यादा इमोशनल हो गए होंगे अपनी स्टेज को सुनकर कि हम कैसे हमें USL धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया है, और इसलिए उन्होंने थोड़ा अच्छे से सफाई करवा दी है। खैर, मजाक मजाक में दोनों बात करते हैं और उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अंदर जाकर ये अपना सामान रखना शुरू करते हैं। अभी दोनों बच्चे हर्षित और हर्षिता अपने पापा के बचपन के घर को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। पहले वो नीचे घूम रहे थे, फिर वो सीढ़ियाँ चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं और वहीं पर वो एक्सप्लोर कर रहे थे, और नीचे इनके मम्मी पापा अपना सामान अरेंज कर रहे थे। तभी उन्हें एकदम से हर्षिता की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसकी आवाज़ सुनकर वो एकदम से ऊपर की तरफ देखते हैं और सीढ़ी की तरफ भागते हैं। तो जैसे ही सीढ़ी की तरफ भागते हैं तो सीमा का पैर सीढ़ी पर रखकर मुड़ जाता है और एकदम से दर्द से चिल्लाती है, और उज्ज्वल जो होता है वो सीमा को संभालता है। इतने में ही ऊपर से हर्षिता भागते हुए आती है तो उसको वो डरी हुई होती है। उससे देखकर उसके फादर पूछते कि क्या हुआ, तुम क्यों चिल्लाई? तो बोलती है कि ऊपर मैंने बहुत डरावनी सी बुढ़िया देखी है। हर्षिता की बात सुनकर उज्ज्वल भागकर ऊपर जाता है, सब तरफ चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। वापस आकर वो बोलता है कि तुम दोनों अपनी मस्तियां बंद करो, तुम्हारे चक्कर में पता है तुम्हारी मम्मी को चोट लग गई है। इस तरह से वो हर्षिता को डांट कर दोनों बच्चों को अंदर बिठा देता है कि तुम जाओ अपने कमरे के अंदर जाओ, रेस्ट करो, और बाकी ये फिर सीमा को संभालता है। इस इंसिडेंट के बाद ये लोग सब अपना अपने अपने रूम में, मतलब बेसिकली दो रूम्स इनके नीचे होते हैं, एक में हर्षिता और हर्षित दोनों भाई बहन सोते थे और एक में ये हस्बैंड वाइफ। तो इनके घर में टोटल 4 कमरे थे, इसमें 2 कमरे इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए थे और 2 कमरे जिनके अंदर सामान वगैरह भरा हुआ था। अब सभी लोग थके आ रहे थे, सो गए शिवाय हर्षिता के। उसके दिमाग में वही बूढ़ी औरत घूम रही थी जो उसने थोड़ी देर पहले अपने घर के अंदर देखी थी। समझ नहीं आता कि वो क्या थी क्या नहीं थी। वो लेटे लेटे यही सोच रही थी कि तभी उसे अपने पास किसी की बहुत तेज सांसों की आवाज़ आती है, कुछ इस तरह से कोई बहुत दूर से दौड़ कर आया हो। उसे लगा कि शायद उसका भाई हर्षित उससे मजाक कर रहा है। उसने उसकी तरफ देखा तो हर्षित गहरी नींद के अंदर सोया हुआ था, लेकिन वो आवाज़ उसके कानों में साफ साफ आ रही थी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था।
वो कुछ और सोच पाती, तभी एक हाथ आता है और उसके सिर के ऊपर इस तरह से कोई हाथ फेरता है ना, ऐसे हाथ फेरता हुआ से महसूस होता है। वो जैसे ही नजर उठाकर ऊपर देखती है, उसे फिर से वही बूढ़ी औरत दिखाती है। वो बहुत तेज चिल्लाती है, लेकिन इस बार उसके चिल्लाने की आवाज किसी को सुनाई नहीं आती है। वो बहुत तेज दो तीन बार चिल्लाती है और अपने भाई की तरफ देखती है। उसके भाई के कान पर जू तक नहीं रेंग रही थी। इसका मतलब वहां पर एक ऐसा एनवेलप क्रिएट हो गया था जिससे बाहर हर्षिता की आवाज नहीं जा रही थी। वो बुरी तरह से घबरा गई थी। अब वो औरत उसको नहीं दिख रही थी, लेकिन वो चुपचाप उठकर अपने कमरे के कोने के अंदर जाकर बैठ गई और अपना सिर अपने ऐसे बैठकर उकड़ू बैठकर अपना सिर अपने हाथ पैसे रख लिया और बहुत तेज से चिल्ला रही रो रही, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। कोई हर्षिता की मदद करने नहीं आया। न जाने कब सोते सोते हर्षिता को उसी कोने में नींद आ जाती है। सुबह जब सीमा उठकर बच्चों के कमरे में आती है तो देखती है हर्षिता कोने में पड़ी हुई है। वहाँ जाकर उसको चेक करती है, उसको बहुत तेज बुखार था। वो फटाफट से उज्ज्वल को बुलाकर लेकर आती है। वो दोनों मिलकर उसको उठाकर बेड पर लिटाते हैं, उसे दवाई देते हैं, उसके बाद ठंडे पानी की पट्टी से उसका बुखार उतारते हैं। उज्ज्वल बैठकर हर्षिता के सिर पर वो गीली पट्टी लगा रहा होता है, तभी उसके कानों में किसी के गुनगुनाने की आवाज गूंजती है। ये आवाज को उज्ज्वल पहचानता था। उस आवाज के डायरेक्शन में जब वो गया तो खिड़की से बाहर निकल उसने देखा तो सामने जो जंगल वाला एरिया था, एक औरत काले कपड़ों के अंदर खड़े होकर उसी आवाज को गुनगुना रही थी। और जैसे ही उज्ज्वल ने उसको देखा, वो घूमकर गुनगुनाते हुए उसी जंगल के अंदर कहीं पर खो गई। और वो धुन बार बार उज्ज्वल के दिमाग में गूंज रही थी। उसे ये तो पता था कि धुन उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा था कि आखिर ये धुन है क्या। वापस हर्षिता के पास बैठता और उसके सिर पर पट्टी करने लगता है। उसकी हालत ठीक नहीं थी, वो नींदों में थी। और तभी अचानक से नींदों में हर्षिता उसी धुन को गुनगुनाने लगती है। जैसे उसको देखता वो चौंक जाता है, हर्षिता को उठाता है, हर्षिता हर्षिता। वो हर्षिता नींदों में थी, हल्का सा उठती है और उसके उठाते ही वो रोने लग जाती है। उसे पूछता है कि तुम्हें धुन कैसे पता, पर वो कोई जवाब नहीं देती है और रोते रोते वो वापस से सो जाती है। उज्ज्वल को लगा कि शायद उसका वहम है, वो आवाज़ उसके सिर में घूम रही है। उसकी पट्टी वगैरह करता है, जब वो सो जाती है उसका फीवर थोड़ा कम हो जाता है, वो उठकर गांव में जाता है। आपको पता है लॉकडाउन के टाइम पर गांव में ऐसा कोई बहुत बड़ी बंदिशें और पाबंदियां भी नहीं थी। तो गांव में जाता है, लोगों से मिलता है। वो किसी को पहचानता नहीं था। आज 20 साल बाद वो वापस आया था तो जनरेशन नई हो गई थी शायद, या जो लोगों के साथ वो खेला करता था, जिनको जानता था, वो उस गाँव को छोड़कर जा चुके थे। लेकिन जिसको भी वो अपनी पहचान बताता वो उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि गांव का एक कल्चर होता है कि अगर आपने अपने माँ बाप के साथ गलत किया है या फिर आपने अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखा, उनकी बात नहीं मानी, पूरे गांव को पता था कि उसने लव मैरिज की थी, और गांव वाले इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए कोई भी उससे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा था। खैर, वो गाँव से ज़रूरत का सामान सब्जी वगैरह लेकर वापस अपने घर पर आ जाता है। और तब तक हर्षिता उठ चुकी थी। जब हर्षिता उठी हुई उसको मिलती है तो उसके पास अगर बोलता है कि बेटा तू वो जो धुन गुनगुना रही थी वो तूने कहाँ से सीखी, तो बोलती कौन सी धुन पापा, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ। एक्चुअली हर्षिता को कुछ याद ही नहीं था। इवन उसे ये भी याद नहीं था कि रात को उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उसने किसी भी चीज़ का जिक्र ना अपनी मम्मी से किया, ना अपने भाई से, ना ही अपने पापा से। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई और अपने भाई के साथ खेलने गई। अब उज्ज्वल के अंदर एक अलग सी उलझन पल गई थी कि यार ये आवाज़ कहाँ से कैसे आ रही है। उसने बात सीमा से डिस्कस की तो सीमा ने कहा कि देखो तुम्हारा पुराना घर है, तुम्हारा यहाँ बचपन यहाँ बीता है, हो सकता है तुम्हारा ये वहम हो, तुम ऐसा लग रहा हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स भी यहाँ पर नहीं है, तुम्हें उनकी भी याद आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सारा वक्त सोचो। इतना कहकर वो अपने काम में लग जाती है। इधर उज्ज्वल भी वापस बैठता है और ये सोचता है कि अब उसे क्या करना है, क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं थी, उसको कोई ना कोई इनकम सोर्स तलाशना था। वो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबको फ़ोन करता है कि कुछ ऐसा काम मिल जाए जो वो घर से कर पाए, पर उसे कोई हेल्प नहीं मिलती है। थक हार कर वो वापस सीमा को बताता है कि यार कुछ हेल्प मिल ही नहीं रही है। तभी सीमा उससे कहती है कि तुम अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हो ना, तुम्हारी मम्मी के पास ज्वेलरी होगी, तुम्हारी अपनी ज़मीन खेत भी तो है। तो तेरे हाँ यार, ये तुमने ध्यान नहीं दिया, मेरी मम्मी के पास बहुत सारी ज्वेलरी थी और हमारे खुद के खेत भी हैं। तो ये सुनकर वो अपनी मम्मी का, जो उनके घर का पेरेंट्स का जो भी सामान रखा हुआ था, वो सब सामान वो चेक करने लगता है। घर के अंदर ढेर सारे संदूक बक्से रखे हुए थे। वो हर एक संदूक बक्से को खोलता है, चेक करता है, बट उसे कुछ नहीं मिलता। उसे समझ में आ चुका था कि जो रिलेटिव उसके आए होंगे, जिन्होंने उसके मदर फादर का अंतिम संस्कार किया होगा, वो सब सामान यहाँ से लेकर चले गए हैं। वो ये भी सोच रहा था कि जब वो अपने माँ बाप के अंतिम संस्कार पर ही नहीं आ पाया तो उसका उनके सामान पर भी कोई हक नहीं बनता है। ये सब सोचते सोचते वो वापस से बहुत इमोशनल हो गया और उसकी आँखों से आंसू बहने लगे।
वो आंख बंद करके अपने मम्मी पापा को याद कर रहा था, रो रहा था, तभी उसके सर के ऊपर किसी का हाथ आता, जैसे उसके सर पर हाथ फैल रहा हो, और ये टच उसके लिए बहुत फेमिलियर था। जैसे उसको ये महसूस हुआ, उसने पीछे घूम कर देखा, आसपास उसके कोई भी नहीं था, बट उसको बिल्कुल ये पक्का था कि कोई अभी उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। तो फिर ये लगता है कि अपने माँ बाप को याद कर रहा है, इसलिए उसे ऐसी आवाज़ सुनाई आ रही है। वो सामान वामान बंद करके रख कर वापस बाहर जाता है, और बाहर जाकर जहाँ सीमा बैठी थी उसके पास बैठता ही है कि तभी उसे फिर से वही धुन सुनाई देने लगती है। जैसे उसे वो धुन सुनाई देती है, वो सीमा से पूछता है कि सीमा तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? इस बार सीमा को भी आवाज़ सुनाई दे रही थी, और दोनों जब उस आवाज़ के डायरेक्शन में जाते हैं तो बाहर जाकर देखते हैं कि हर्षिता झूला झूल रही है और वो उस धुन को गुनगुना रही है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हर्षिता वहाँ पर अकेली नहीं थी। हर्षिता जो झूला झूल रही थी, उसे एक बूढ़ी औरत झूला झूला रही थी, और उससे भी ज़्यादा अजीब बात ये थी, हर्षिता को अवधी भाषा नहीं आती थी, उसे हिंदी भी ठीक से नहीं आती थी, वो US में ही पली बड़ी थी और उसका एक्सेंट भी हिंदी में नहीं था, लेकिन वो अवधी भाषा के अंदर उस धुन को गुनगुना रही थी। दोनों हर्षिता से पूछते तो बताती कि इन आंटी ने उसे धुन गाना सिखाया है। वो उनको देखते हुए दिखने में मतलब बिल्कुल अजीब सी तो थी ही, साथ साथ उनको पहचानता नहीं था उज्ज्वल। तो उज्ज्वल ने बोला कि आप कौन हो? तो उसने बोला कि बेटा तुम मुझे नहीं जानते हो, क्योंकि तुम बहुत छोटे थे जब मैं यहाँ पर आया करती थी। इतना कहकर वो उज्ज्वल के पास आती है और उसके सिर के ऊपर हाथ फेरती है। ये बात सुनकर उज्ज्वल बहुत खुश हो जाता है कि चलो गांव में कोई तो उसे मिला जो उसे जानता है। वो हर्षिता, उज्ज्वल और सीमा उसको खुश होकर अपने घर के अंदर लाते हैं। जब औरत अंदर जा रही होती तो सीमा उसके कपड़ों को ऑब्जर्व करती है कि मई का टाइम चल रहा है, उस औरत ने जो कपड़े पहने हुए थे उसमें सिर्फ उसका चेहरा और उसके हाथ के पंजे दिख रहे थे, बाकी पूरा शरीर उसका कवर्ड था। वो सोचते थे कि इतनी गर्मी में कोई ऐसे कपड़े कैसे पहन सकता है, लेकिन उसने ज़्यादा दिमाग लगाया, उसने सोचा कि हाँ हो सकता है गांव के लोग हैं, वो अपने पहनावे से बहुत मतलब जो उनका पहनावा उसी को फॉलो करते हैं, और ये तो वैसे बूढ़ी औरत हैं तो जिनका ट्रेडिशनल पहनावा है ये उसी को पहनकर यहाँ पर रहती होगी। उस दिन शाम को जब उज्ज्वल सब्जी लेने के लिए घर से बाहर गाँव में पहुँचा तो हर एक आदमी उसको बहुत ही अजीब सी नज़रों से देख रहा था, कोई उससे बातचीत तक नहीं कर रहा था, और इवन सब्जी वाले ने भी उसे सब्जी देने से मना कर दिया था। उसे अपने घर में खाने के लिए सब्जी भी गांव से बाहर दूसरे गांव से जाकर लानी पड़ी। घर आकर उसने बात जब उस बूढ़ी औरत को बताई तो उसने कहा कि तुम इन लोगों के ऊपर ध्यान मत दो, इस घर पर और तुम्हारे खेतों पर इन गाँव वालों ने कब्जा कर रखा था, लेकिन अब तुम आ गए हो ना तो इनके हाथ से घर और खेत चले गए हैं, इसलिए ये सब लोग तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर उज्ज्वल को ये समझ में आती है कि हाँ कह तो ये वो जो भी है अम्मा है वो सही कह रही है, और उसने इस बात को भी इग्नोर कर दिया। ये सब खाना पीना खाते हैं, उसके बाद अपने अपने सोने चले जाते हैं। तो जो औरत थी वो हर्षिता और हर्षित दोनों को उनके रूम में एक लोरी सुनाती है। उस लोरी को सुनकर उज्ज्वल वहाँ पर आता है और वो भी उस लोरी को सुनने लगता है, और सुनते सुनते वो बोलता है हर्षिता और हर्षित से कि जब वो छोटा था तो उसकी मम्मी भी उसको यही लोरी सुलाती थी, यही लोरी सुना के उसको सुलाया करती थी। तो फिर उन्होंने अम्मा से पूछता है कि अम्मा आपको ये लोरी कैसे आती है? तो बोलती कि बेटा इस गाँव में हर माँ अपने बच्चों को यही लोरी सुनाती है, इसलिए मुझे भी यही लोरी आती है। हर्षिता और हर्षित के सोने के बाद वो औरत वहाँ से उठती है और अपने घर के लिए जाने लगती है। बोलती कि अच्छा बेटा मैं चलती हूँ, कल तुमसे मिलने आऊँगी। तो सीमा बोलती है कि आपका घर कहाँ पर है? आपको उज्ज्वल छोड़ देंगे, आप रात में अकेले वहाँ जाएंगे और अंधेरा बहुत है। तो बोलती है कि बेटा मेरा घर दूर है और मेरा तो गांव है, मैं तो रोज़ ही यहाँ पर घूमती रहती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मुझे छोड़ के आएगा तो उज्ज्वल यहाँ पर अकेला पड़ जाएगा, और ये कई सालों बाद यहाँ आया है, ये ना गाँव के रस्तों को जानता है ना गाँव के खतरों को। तो उसकी बात सुनकर उज्ज्वल सीमा बोलते हैं ठीक है आप ध्यान से जाना, बोलते तुम चिंता मत करो। तो वो औरत जैसे घर से बाहर निकलती है सीमा उनके पीछे आती है टॉर्च लेकर कि बहुत अंधेरा है, वो उनको रास्ता दिखा देगी। लेकिन जैसे ही वो निकली थी उस औरत ने घर की दहलीज क्रॉस की होगी, इतने में ही सीमा टॉर्च लेकर पहुंची तो उसने देखा चारों तरफ घना अंधेरा था और उस औरत का कहीं नामो निशान नहीं था। उसे कुछ समझ में नहीं आया इतनी जल्दी कोई कैसे जा सकता है। वो अपना गेट बंद करके वापस अपने घर के अंदर चली जाती है, और जैसे अपने घर की खिड़की को क्रॉस कर रही थी उसकी नज़र पड़ती है तो देखती है कि खिड़की से जो बाहर जंगल दिखाई दे रहा था उस जंगल के एक छोर पर मतलब घर से थोड़ा दूर
एक औरत की परछाई बनी हुई थी जो खड़ी होकर शायद इनके ही घर की तरफ देख रही थी। वो टॉर्च उस औरत पे मारती है, वो देखती है एक अजीब सी औरत वहाँ खड़ी हुई है और इनके घर की तरफ देख रही है, और जैसे उसे उसकी शक्ल दिखती है खटाक से उससे हाथ से टॉर्च गिर जाती है। जैसे टॉर्च गिरती आवाज़ होती है तो उज्ज्वल वहाँ पर आता है, पूछता है सीमा से क्या हुआ, तो उसको बताती कि ऐसे एक औरत खड़ी है जो हमारे घर की तरफ देख रही है। उसने टॉर्च उठाई और वापस उधर टॉर्च मारी तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो सीमा से बोलता है कि शायद तुम्हारा वहम है, तो पहले कभी गांव में नहीं रही हो और इतना अंधेरा देखकर तुम शायद थोड़ा घबरा गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो। वापस वो टॉर्च दिखाता है, वहां पर कोई भी नहीं है। इसके बाद ये लोग सोने चले जाते हैं। लेटे लेटे उज्ज्वल ये सोच ही रहा था कि यार वो औरत अगर उसे बचपन से जानती है तो उसे उसका चेहरा क्यों याद नहीं है, उसने कभी उस औरत को क्यों नहीं देखा। दूसरा, अगर वो उसे बचपन से जानती है तो आज 20 साल बाद उसे कैसे पहचान गई। खैर वो ये सब सोच रहा था और सोचकर जैसे उसने करवट बदली तो करवट बदलते उसे लगा कि वो औरत जिसके बारे में सोचा था वो उसी के पास में लेटी हुई है और वो उसी को देख रही है। तो अब समझे से घूमते ही जैसे उसने देखा तो औरत चौंक खड़ा हो गया। उसने लाइट्स ऑन की और जैसे उसने लाइट्स ऑन की तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, वहाँ सीमा ही उसके पास में लेटी हुई थी। वो घबरा गया और उसे लगा कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है शायद। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ आती है, कुछ ऐसे जैसे कोई कुछ खा रहा हो लार के साथ ऐसे करके। तो जाता है बाहर अपने बच्चों के रूम की तरफ, वहाँ से आवाज़ आ रही थी। जैसे उनके रूम में जाता है वो देखता है कि हर्षिता के बगल में वही औरत बैठी हुई है और वो बहुत भयानक से रूप के अंदर, बिल्कुल उसके सड़े हुआ चेहरा है और लंबे लंबे उसके बाल हैं। उसको देखते ही वो बहुत तेज चिल्लाकर कुर्सी उठाकर उधर उधर फेंकता है, लेकिन कुर्सी फेंकते हुए औरत एकदम से गायब हो गई। कैसे वो गई, कहाँ गई पता नहीं चला। और उसकी चीख सुनकर सीमा हर्षित सब जाग गए और उन्होंने लाइट्स ऑन की। सीमा उज्ज्वल से पूछती कि क्या हुआ, तो बोलता है कि हमारे यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये जगह सही नहीं है। सीमा को भी शक तो बहुत हो चुका था, उससे पूछता है आखिर हुआ क्या, तो उसको बताता है कि ऐसे उसने देखा। और वो बातचीत ही करते तभी उसे किसी के बहुत जोर जोर सांस लेने की आवाज आती है। ऐसी आवाज उनको देखते हैं तो देखते कि ऐसी आवाज हर्षिता निकाल रही है। वो भागकर हर्षिता के पास जाता है, पूछता है बेटा क्या हुआ, और उससे बात करने के लिए वो नीचे घुटनों पर झुकता है। तभी हर्षिता उसका गला पकड़ लेती है और उसको गला बहुत तेज दबाने लग जाती है। उस 15 साल की बच्ची के अंदर न जाने इतनी ताकत कैसे आ गई थी कि सीमा और उज्ज्वल मिलकर भी उसके एक हाथ से उज्ज्वल के गले को छुड़ा नहीं पा रहे थे। उसने अपने नाखून उज्ज्वल की गर्दन में चुभा दिए थे और इतने चुभा दिए थे कि उससे खून निकलना शुरू हो गया था। और तब अचानक से उसने एक हरकत की, जैसे ही खून की वो धार वो बूंद उसके गले से निकली, हर्षिता ने उसको ऐसे करके चाट लिया। ये देखते सीमा की हालत खराब हो गई और उज्ज्वल को समझ आता है कि हर्षिता को क्या हो गया है। वो कुछ सोच पाते तभी उनके कानों में फिर से वही धुन सुनाई आती है। वो देखते हैं तो खिड़की के अंदर, जो खिड़की थी उनके घर की, उसके बाहर वही औरत खड़ी हुई थी। वो इनको देख के मुस्कुरा रही थी और वो उसी धुन को गुनगुना रही थी। इधर हर्षिता बिल्कुल बेसुध थी, जैसे वो किसी के वशीकरण के अंदर हो। सीमा बार बार हर्षिता को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जितनी बार वो हर्षिता को हिलाती वो अपनी पकड़ को और तेज करती रहती, और उसकी वजह से उज्ज्वल का दम घुटता जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों को बहुत सारे लोगों की आवाज़ सुनाई आती है, जैसे बहुत सारे लोग चलते हुए इनके घर की तरफ आ रहे हैं, और उनमें से कई लोगों के हाथ में शंख थे और वो शंख बजाते हुए आ रहे थे। ये कोई और नहीं, वो सभी गाँव वाले थे जो एक साथ मिलकर इनके घर की तरफ आ रहे थे। गाँव वालों को आता हुआ देखकर वो औरत एकदम से वहां से जंगल में भाग जाती है, और उस औरत के भागते ही हर्षिता वहीं की वहीं बेहोश हो जाती है। सारे गांव वाले वहां पहुंचते हैं और पहुंचकर उज्ज्वल उसकी फैमिली को वहां से बाहर निकालते हैं, और उसके बाद वो हर्षिता को मंदिर पर लेकर जाते हैं जहाँ पर मंदिर के जो पुजारी हैं वो उनसे मिलते हैं। वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद हर्षिता अपने आप ही ठीक हो जाती है। उसके ठीक होने के बाद उज्ज्वल उन पंडित जी के पास जाता है और पूछता है कि वो औरत कौन थी और उसका मेरे घर से क्या संबंध है। तो जो पुजारी बाबा थे वो आते हैं और बोलते हैं कि बेटा वो निशी डाकिन है और उसने इस पूरे गांव को तबाह कर दिया है, तुम्हारे माँ बाप की मौत में भी उसी का हाथ था। उज्ज्वल को कुछ समझ में नहीं आया, बोलते हैं निशी डाकिन, ये निशी डाकिन क्या होती है, बाबा आप मुझे पूरी बात बताओ, आखिर बात क्या है और वो औरत क्या चाहती है। फिर बाबा उसे पूरी कहानी बताते हैं कि बेटा निशी डाकिन, या जिसे निशी डाक भी बोलते हैं, वो एक बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल होती है और उसके पास एक ताकत होती है, एक विद्या होती है, जिससे वो किसी भी इंसान की आवाज निकाल सकती है। ये जिसका शिकार करना चाहती है उसके किसी रिश्तेदार या फिर उसके किसी क्लोज आदमी की आवाज में उसे पुकारती है। कई बार अंधेरे सुनसान रास्तों में कोई इंसान अकेला चल रहा होता है तो उसके किसी परिचित की आवाज में उसे आवाज लगाती है, और अगर उसकी आवाज पर रिस्पॉन्ड कर दिया जाए तो फिर वो उस इंसान को अपना शिकार बना लेती है।
करीब 10 साल पहले ये गांव बिल्कुल फला फूला गांव था, लेकिन न जाने कहां से इस निशित आखिर की नज़र इस गांव के ऊपर पड़ गई। कुछ ही दिनों में गांव के अंदर से 5-6 लोग एकदम से गायब हो गए और उनमें से सिर्फ 2 लोगों की लाश मिली। किसी को कुछ समझ भी नहीं आया कि इनकी मौत का राज क्या है, तो कई लोग गाँव के घर छोड़ कर चले गए। फिर तुम्हारे पिताजी ने इस चीज़ का बीड़ा उठाया कि वो देखना चाहते कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो फिर उनने गांव के कुछ मर्दों के साथ मिलकर रात के टाइम पर पहरा देना शुरू किया और एक रात वो देखते हैं करीब 50 साल की उम्र की एक औरत एक घर के बाहर आवाज़ बदल कर रो रही है। उसकी आवाज़ बिल्कुल उस घर के अंदर रहने वाले सरोज की तरह ही थी और वो देखते हैं कि वो औरत सरोज की आवाज़ में रो रही है और अपनी माँ को रोता हुआ सुनकर उसके बेटे जब गेट खोल के बाहर निकलती है उसके पास में आती है तो वो एकदम से उस लड़की को पकड़कर जंगल के अंदर भाग जाती है। उसको पीछा करते हैं लेकिन वो कहाँ गायब हो जाती है किसी को पता नहीं चलता है। और उस दिन सबको रियलाइज़ होता है कि गाँव के अंदर जो लोग गायब हो रहे हैं उसके पीछे निशी डाकिन है। अगले दिन पूरी पंचायत बुलाई गई, पूरे गांव पे बताया गया कि गांव के अंदर रात के टाइम पर एक चुड़ैल घूम रही है जो लोगों की आवाज़ निकालती है और जो कोई उसके आसपास पहुंच जाता है उसको लेकर वो जंगल में गायब हो जाती है। जब ये बात हुई तो इस गांव के महंत को बुलाया गया, तो महंत ने जब पता किया तो उन्हें पता लगा कि एक निशी डाकिन है और ये बहुत शक्तिशाली है, वो अकेले इसका सामना नहीं कर पाएंगे, उन्हें बड़े पुरोहित जी को बुलाना पड़ेगा। जब बड़े पुरोहित जी से बातचीत की गई तो उनको आने में करीबन 10-15 दिन का समय लगने वाला था, इसलिए पूरे गाँव को सतर्क रहने के लिए कहा गया। उस दिन के बाद से गाँव के अंदर किसी का भी गायब होना या मौतें होना बंद हो गई, क्योंकि सभी लोग को आवाज़ तो आती थी बट कोई भी उसकी आवाज़ सुनकर घर से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन करीबन 8-10 दिन के बाद तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता की लाश मिली और वो भी बहुत बुरी हालत में। ऐसा लग रहा था कि उनके पूरे शरीर से किसी ने खून चूस लिया, पूरा शरीर अकड़ गया था और पूरी चमड़ी उनकी सफ़ेद पड़ गई थी। ये सब देखकर पड़ोसियों ने बताया कि रात के टाइम पर उन्हें उनकी गली के अंदर तुम्हारी आवाज़ गूंज रही थी। पड़ोसियों को तो ये पता चल गया था कि ये कौन है, लेकिन शायद तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे मुंह के अंदर कि हमारा गया हुआ बेटा वापस आ गया है वो घर से बाहर निकल आए और उस निशित आकिन ने उनको अपना शिकार बना लिया। तुम्हारे पिताजी ने पूरे गाँव को आगाह किया लेकिन वो खुद उसी के शिकार बन गए और इस मौत ने पूरे गाँव में दहशत फैला दी। इसके करीबन 3-4 दिन बाद पुरोहित जी आए और उन्होंने कहा कि अब इसको इसी घर के अंदर बांध देते हैं क्योंकि इस घर में कोई रहने वाला नहीं है। और वो एक्चुअली उसकी मौत के भी अगले 3-4 दिन तक तुम्हारे घर के अंदर वो निशिदाक दिखाई देती थी। तो पुरोहित जी ने पूजा वगैरह की और उसको इसी घर के अंदर बांध दिया। उसके बाद इस घर के आसपास भी कोई फटकता नहीं था और जैसा कि तुम देख पा रहे हो इसके आसपास के सभी घर खाली कर दिए गए हैं। लेकिन तुम अभी कुछ दिनों पहले अचानक से यहाँ पर आए और तुमने उस घर का गेट खोल दिया, तुमने उस बंधन को मुक्त कर दिया। तो कहता है कि लेकिन मैंने तो अपने रिश्तेदार उनसे कहा था उस घर की सफाई करने को। बोले उस घर की सफाई किसी ने नहीं की, उस घर में वो निशी डाक रहती थी वही शायद उसकी साफ सफाई करती हो, तुम्हारा जो रिश्तेदार है उसने तुमसे झूठ बोला। उसे लगा कि जब वो पहले दिन घर पहुंचे थे तो घर बिल्कुल साफ था, उसे लग रहा था कि उसके रिलेटिव उन्होंने वो घर साफ करवाया है, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही थी। तुमने बिना किसी से बात के यहाँ पर आकर उस घर को खोल दिया और इसलिए हम गाँव वाले सभी इससे नाराज थे और हम तुमसे कोई बात नहीं कर रहे थे। और बेटा गलती हमसे भी हुई है, तुमसे नाराजगी के चक्कर में हमने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जब पिछले 3-4 दिन से तुम यहाँ पे आराम से रह रहे हो कोई दिक्कत नहीं हो रही तो हमें भी ये लगा कि या तो वो ताकिन मर गई है या फिर वो इस गाँव को छोड़कर चली गई है, इसलिए तुम में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और उसके आगे क्या हुआ ये तुमको अच्छे से बताइए। उनकी बातें सुनकर उज्ज्वल को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता था कि उसके माँ बाप की नेचुरल डेथ हुई है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि उस निशी डाकिन की वजह से उसके माँ बाप की मौत हुई है तो उसके अंदर बदले की एक भावना जाग उठती है। वो कुछ कर तो नहीं सकता था क्योंकि वो किसी के पकड़ में नहीं आ सकती थी, पर वो उनसे बोलता है कि आप मुझे पुरोहित जी से मिलवाइए, मैं उनसे मिलूंगा और मैं इस गाँव को उस चुड़ैल के चंगुल से आज़ाद करवाऊंगा। फिर ना सिर्फ वो पंडित जी गांव वाले सरपंच वगैरह और उज्ज्वल सब मिलकर उन बड़े पुरोहित जी के पास जाते हैं और उनसे समाधान पूछते हैं। तो बताते हैं कि आपके घर के अंदर एक बड़ी पूजा होगी, तो बोलता है आपको जो करवाना है करवाइए। और सरपंच बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, गांव वाले सब मिलकर ये पूजा करवाएंगे क्योंकि ये सिर्फ उज्ज्वल के घर का मामला नहीं है, ये पूरे गाँव का मामला है, हमें कुछ भी करके उस निशी डाकिन से इस गाँव को आज़ाद करवाना है। तो जो उज्ज्वल था उसके घर के अंदर 11 पुरोहित बिठाए जाते हैं, वो अगले 11 दिनों तक हवन करते हैं और हर दिन गांव के अंदर वो हवन की भस्म
और गंगा जल छिड़का जाता है। 11 दिन पूरे होने के बाद जो सबसे बड़े पुरोहित जी थे वो आकर बोलते हैं कि अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए, वो निषेधाज्ञा इस गांव से जा चुकी है, वो दोबारा कभी इस गांव में लौट कर नहीं आएगी। और इस तरह से गांव निषेधाज्ञा के प्रकोप से, उसके चंगुल से आज़ाद हुआ। उज्ज्वल को अपने माँ बाप के खोने का मलाल भी था, लेकिन साथ ही साथ उसे संतोष था कि उसने इस पूरे गांव को उस चुड़ैल के चंगुल से आज़ाद कर दिया है। शायद यही उसकी डेस्टिनी थी, शायद इसीलिए उसकी जॉब गई, घूम फिर कर वो वापस अपने नेटिव प्लेस आएगा। उसके मन में कहीं ये मलाल ना रह जाए कि वो अपने माँ बाप को मिल नहीं पाया, खैर ये तो हमेशा के लिए रहा उसके अंदर। बट उसे सच्चाई पता लगी कि उसके माँ बाप की जो डेथ हुई वो एक नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि उनको मारा गया था। उसके बाद उसने उनका भी पिंडदान वगैरह किया, उनकी पूजा वगैरह करवाई ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले। और उसके बाद उज्ज्वल के जीवन में भी चीज़ें ठीक होने लगी। इसके कुछ ही दिनों बाद उसको वापस से एक वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल गई, और जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ वो अपने उसी गांव के अंदर रहा, उसी घर के अंदर। और आज वापस से वो एक दूसरे अच्छे शहर में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन अब हर साल वो अपने उस एंसेस्ट्रल हाउस के अंदर ज़रूर जाता है जहाँ से उसके बचपन के और उसके माँ बाप की यादें जुड़ी हुई हैं। तो ये थी बंगाल के एक बहुत बड़े अर्बन लेजेंड निषेधाज्ञा की कहानी। और बंगाल में ऐसे निषेधाज्ञा की बहुत सारी कहानियाँ चलती है, कि आपने भी कभी किसी ऐसे एंटिटी के बारे में सुना है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं अपने अगली स्टोरी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।